Hello amigos! Guys, you must have watched a lot of films, a lot of TV series in which many actors appear and are actually much older than the characters they portray. आपने कई सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी, कई सारी ऐसे TV series देखी होंगी जिनमें actors का actual age उन characters से कहीं ज्यादा रहता है जिनका वो role play कर रहे हैं. तो बस इसी type की casting, यही cultural phenomenon, यही trope या बोल सकते हो इसी type की practice कहलाती है दोस्तों Dawson casting. क्या? Dawson casting. Correct. तो अब देखते हैं दोस्तों Dawson casting के कुछ examples. आप सबकी favorite film, थ्री इडियट्स की जब शूटिंग हो रही थी ना तो आमिर खान 44, शर्मन जोशी 30 और अपना मैडी आर माधवन 39 का था. तो इतना एज होने के बावजूद इन तीनों ने इस फिल्म में कॉलेज जा रहे लौंडो का कैरेक्टर्स प्ले किया था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कैरेक्टर प्ले किया था. तो इन ऑर्डर टू लुक स्मैक डैब लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट, आमिर खान लॉस्ट मसल्स, वो लूज टी शर्ट्स और झाड़ भर की हाइट तो उसकी पहले से ही है यंग दिखने के लिए, बिल्कुल मेरी तरह है कि नहीं. एंड व्हेन इट कम्स टू कुछ कुछ होता है यू माइट फाइंड इट बनाल, बट आई लाइक इट unabashedly, unapologetically. बहन कितनी क्यूट तुम्हारी. जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना तो शाहरुख खान करीब 33 साल का था और उसने इस फिल्म में कॉलेज जा रहे लौंडे का कैरेक्टर प्ले किया था फिल्म की शुरुआत में. और वैसे ही Pretty Little Liars करके एक अमेरिकन टीन ड्रामा है जिसमें अडल्ट एक्टर्स को कास्ट किया गया था टीन कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए. तो ये थे दोस्तों Dawson casting के कुछ examples. तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस टाइप की कास्टिंग को Dawson casting क्यों कहते हैं. तो देखो दोस्तों 1998 से लेकर 2003 तक एक टीन ड्रामा सीरीज आया करती थी और उस सीरीज का नाम था Dawson's Creek. तो इस सीरीज में ना एक्टर जेम्स वैंडरबीक ने Dawson Leary का कैरेक्टर प्ले किया था जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट रहता है, जबकि एक्टर जेम्स वैंडरबीक अपने अर्ली 20s में था जब उसने Dawson Leary का कैरेक्टर प्ले किया था. तो बोल सकते हो यहीं से ये नाम Dawson casting पॉपुलर हुआ बोल रहा हूँ ना, स्टार्ट हुआ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप की कास्टिंग कब से चली आ रही है. बस मैं ये बता रहा था कि इस टाइप के कास्टिंग को एक नाम मिला इस सीरीज के बाद. और क्या नाम था सीरीज का? Dawson's Creek. अब जानते हैं दोस्तों कि इस टाइप की कास्टिंग यानी कि Dawson casting क्यों की जाती है. तो देखो दोस्तों सबसे पहला और बड़ा रीजन जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ना एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ ही काम करना चाहते हैं, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं जो खुद में एक ब्रांड हो, जिनके काम करने से पैसा जनरेट हो और फिल्मों का फ्लॉप होने का चांस कम हो जाए. और दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों लेबर लॉज, अब अंडर एज एक्टर्स बच्चों से एक लिमिटेड टाइम तक ही काम करवा सकते हो. तीसरा रीजन हो सकता है दोस्तों मैच्योरिटी, जब आप 21 साल के एक लौंडे से 15 साल के बच्चे का कैरेक्टर प्ले करवाओगे तो वो उसको थोड़ा न्यूआंस्ड तरीके से प्ले कर पाएगा क्योंकि वो उस वक्त से गुजरा हुआ है, वो 15 साल के बच्चे की साइकोलॉजी पढ़ पाएगा. तो ये तो हो गए दोस्तों कुछ reasons कि Dawson casting क्यों की जाती है. अब जानते हैं कि Dawson casting के क्या क्या drawbacks हैं, क्या क्या negatives जो है जुड़े हुए हैं इस टाइप के casting से. तो सबसे पहला और बड़ा drawback जो कि मुझे लगता है Dawson casting का वो है दोस्तों disconnect. यार जब मुझे पता है शाहरुख खान का एक्चुअल एज, मुझे पता है सलमान खान का एक्चुअल एज, तो जब उनसे 15 या 20 साल छोटी लड़की उनके माँ की उम्र का कैरेक्टर प्ले करती है तो यार फील नहीं आता, बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगता. ऊपर से इस उम्र में ये लोग बेटे कम बेटी चोट ज्यादा लगते हैं. और जो दूसरा ड्रॉबैक मुझे लगता है Dawson casting का वो है दोस्तों अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड्स. जब एक 21 से 22 साल का लड़का 15 साल के बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है और जब उसको एक्चुअल में 15 साल के बच्चे टीवी पे देख रहे होते हैं ना तो उनके दिमाग में एक अलग ही टाइप का अनरियल बॉडी स्टैंडर्ड्स बन जाता है कि यार इस फिल्म में भी तो लड़का 10th का स्टूडेंट रहता है लेकिन उसकी हाइट आ चुकी होती है, घनी दाढ़ी आ चुकी होती है, फिट बॉडी रहता है और वही तीनों चीज मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी तो 15 साल का ही हूँ, मैं भी तो 10th का स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझ में कमी है, मेरा ग्रोथ सही नहीं हो पा रहा है. तो ये थे दोस्तों कुछ ड्रॉबैक्स जो कि मुझे लगता है Dawson casting के. अब नीचे कमेंट्स में बताओ दोस्तों कि आपने ऐसी कौन सी फिल्में देखी है, कौन सी टीवी सीरीज देखी है जिसमें Dawson casting की गई है. हास्ता ला विस्ता.